नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेम की रसोई एंड टिप्स इन व्लॉग में। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज की रेसिपी हम आप लोग से शेयर करूंगी, गेहूं के आटे का गुडे बिस्कुट। बाजार वाले बिस्कुट गाइज, उसमें केमिकल रहता है, खाने पर बच्चों का भी हो या बड़े को भी नुकसान करता है। अगर इस तरीका से बिस्कुट बना के घर पर रख देंगे तो जब भी बच्चे मांग रहे हैं, जब भी आपको भी दिल करेगा मीठा कुछ खाने को, तो तुरंत आप एक से दो ले सकते हैं गाइस। तो चलिए बनाने का तरीका देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लगभग गेहूं के आटा लिए हैं गाइस। अब उसके बाद हम 100 ग्राम के लगभग पिसी हुई चीनी को इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने लिए है 10 से 12 किशमिश, इसको भी हमने बीच से कट कर लिए हैं। इससे हमारा एकदम गुड्डे बिस्कुट के जैसा फ्लेवर आएगा, देखने से भी सेम उसी तरीके के लगेगा गाइस। उसके बाद 3 हमने साबुत इलायची को इसको कुच लिए हैं, इसको छिलका निकाल के इस तरीके से डाल लेंगे इसमें। आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी एक चुटकी इसमें डाल सकते हैं, इससे बिस्कुट का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने देसी घी लिए है, इसको हल्का सा गरम कर लिए हैं। गरम करने से बिस्कुट एकदम खस्ता बनेगा गाइस। मोम रिफाइंड तेल में भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा बिस्कुट का गाइस। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डाल के मिक्स करेंगे, दोनों हाथों से मिक्स करेंगे तो इसका लम्स बढ़िया से मिट जाएगा गाइस। तो देख पा रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, इसी तरीके से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम मुट्ठी बांध के देख लेते हैं, तो इस तरीका से मुट्ठी बांध के देख लेना है। मोम एकदम बढ़िया से तैयार है गाइस। अब इसमें हम नॉर्मल पानी को डालेंगे, पानी को भी हम एक साथ नहीं डालेंगे गाइस, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम भर भरा जैसा डो को तैयार करेंगे। इसको लूज नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि इसमें हम चीनी डाले हैं, चीनी पानी छोड़ता है गाइस। 2 से 3 मिनट रख देने से ही अपने आप लूज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से डो को तैयार किए हैं गाइस। डो को मैंने इतना टाइट तैयार किए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रख देंगे, 2 मिनट बाद देखिएगा गाइस ये डो कितना लूज हो जाएगा। चीनी डालने से गाइस डो लूज हो जाता है। 2 मिनट के लिए डो को रख देते हैं, इससे क्या होगा कि जो चीनी इसमें डाले हैं वो बढ़िया से सेट हो जाएगा। डो को रखते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। अब चलिए बिस्कुट बनाना शुरू करते हैं गाइस। इस तरीके से बिस्कुट एक बार ज़रूर आप लोग बना के देखिएगा गाइस, बच्चों से लेकर बड़ों तक बेहद पसंद आएगा गाइस, क्योंकि ये बिना केमिकल के घर पे बन के तैयार होता है गाइस। मार्केट से लेके आते हैं तो गाइस इसमें बिना केमिकल के कुछ भी नहीं मिलता है, बिस्कुट हो या कोई भी चीज़ हो। गाइस, आप कौन कोने से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें गाइस। गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि डो कितना हमने टाइट तैयार किए थे, ये 2 से 3 मिनट में डो कितना लूज हो गया है गाइस। अब इसको हम चकला पे इस तरीके से 2 से 3 बार तरहती से दबा देंगे तो ये बिस्कुट के शेप बन जाएगा गाइस। अब इसको हम करछी लेंगे, करछी से इसको इस तरीके से हल्का हल्का दबाएंगे तो एकदम बिस्कुट के शेप बन के तैयार होगा गाइस। करछी के जगह पे छोटा गिलास या कटोरी कोई भी से हल्का हल्का इसको इस तरीके से दबा सकते हैं गाइस। देखिए, हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को पास में करके दिखा रहे हैं गाइस, ये बिस्कुट के शेप बन के तैयार हो गया है गाइस। इसी तरीका से हम सारे बना के तैयार कर लिए हैं। सारे बिस्कुट को हम पहले इस तरीके से बना लेंगे, उसके बाद हम डीप फ्राई करेंगे गाइस। तो देखिए, हम दोबारा आप लोग का दिखा रहे गाइस, पीछे से ये बिस्कुट के शेप बना है, आगे से भी बिस्कुट का शेप बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने पहले से रिफाइंड तेल को गरम किए हैं, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ज़्यादा लो नहीं रखना है, मीडियम टू लो पे इसको डीप फ्राई करेंगे गाइस। ज़्यादा हाई पर डीप फ्राई करेंगे तो गाइस नीचे से जल जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसको मीडियम टू लो करके लगभग 3 से 4 मिनट लगता है डीप फ्राई करने में गाइस। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको आराम आराम से इस तरीके से चलाते रहेंगे।
इसे क्या होगा कि हमारा बिस्कुट एकदम एक जैसा बन के तैयार होगा गाइस। लगभग ये हमारा 5 मिनट हो गया है डीप फ्राई करते हुए गाइस। तो बिस्कुट ये तैयार हो गया है। बिस्कुट हम 1 से 2 बार छनाटा से चला लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। बाकी के जो बचा है उसको भी हम इसी तरीका से डीप फ्राई कर लेंगे गाइस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया ये बिस्कुट बन के गाइस तैयार हुआ है। ये रेसिपी को एक बार आप लोग जरूर बना के देखिएगा गाइस, यकीन मानिए कि आप लोग का बेहद पसंद आएगा गाइस। हमें कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें गाइस। हमारे चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।